जय हिंद दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मेटलर्जी क्या है और मेटलर्जी में यूज होने वाले प्रोसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली। अर्थात मेटलर्जी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें उनके अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे की प्रोसेस की ओर। ओर्स मतलब अयस्क। अयस्क क्या होता है ना कि वैसा मिनरल जिसे एक्सट्रैक्ट करने पे हमें मेटल मिले उसे ओर कहा जाता है। तो उसके बाद जब माइंस से हम ओर्स को निकालते हैं फिर अगला जो प्रोसेस होता है क्रशिंग। क्रशिंग क्या होता है ना दोस्तों कि जब माइंस से बड़े बड़े पार्टिकल में ओर्स को निकाला जाता है तो उसे क्रशिंग के दौरान उसे छोटे छोटे कणों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। तो दोस्तों क्रशिंग के बाद हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन क्यों करते हैं? जब क्रशिंग करके हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल में ओर्स को तोड़ते हैं तो उस ओर्स में बहुत सारा इम्प्योरिटी ऐड होता है, मतलब उपस्थित होता है, जैसे क्ले हो गया, रॉक्स हो गया इत्यादि। तो उसे हम अलग करने के लिए हम लोग दो तरह से कंसंट्रेशन किया जाता है। एक होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हमारा तीन प्रकार का सेपरेशन होता है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन पहला, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन और तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन। अब हम चलते हैं केमिकल प्रोसेस की ओर। केमिकल प्रोसेस में दोस्तों दो प्रकार का सेपरेशन होता है, पहला कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। के बाद दोस्तों जब कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है उसके बाद हम लोग अगला प्रोसेस के लिए उस कंसंट्रेटेड ओर को आगे भेजते हैं और अगला प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। इन शॉर्ट रिडक्शन को अगर समझा जाए तो इस प्रोसेस में कंसंट्रेटेड ओर को मेल्ट करते हैं और इस मेल्ट करने का जो मेरा मोटो होता है, इंटेंशन होता है, यह होता है कि मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को रिमूव करें। और यह जो प्रोसेस होता है रिडक्शन का, यह तीन प्रकार से होता है। पहला स्मेल्टिंग हो गया, दूसरा एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस हो गया और तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। उसके बाद दोस्तों रिडक्शन का जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिफाइनिंग आता है। रिफाइनिंग हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जो रिडक्शन के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला उसमें इम्प्योरिटी बहुत सारा होता है और इस प्रोडक्ट से इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के लिए हम लोग चार प्रकार से देखेंगे। पहला बॉइलिंग हो गया, दूसरा लिक्विशन एंड तीसरा डिस्टिलेशन एंड लास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसके बाद दोस्तों हमें इतना सब प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग को मेटल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये जो ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन, जितना भी प्रकार का प्रोसेस आप लोगों को हम बताए हैं इसके बारे में है, हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।